तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं सेवइयाँ। सेवइयाँ बनाने के लिए बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, फटाफट बन जाती है, खाने में स्वादिष्ट, सबको पसंद आती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है एक भगोना और गैस ऑन करके डालेंगे उसमें हम दूध आधा केजी लगभग हमने लिया है दूध, और उसमें हम थोड़ा पानी भी मिला देंगे। और इसके बाद हमने एक तरफ चढ़ा दिया है दूध खोलने के लिए, दूसरी तरफ हम यहाँ पर थोड़ा सा 2 चम्मच हमने घी डाला है कढ़ाई में, और थोड़ा सा धीपने पर घी गर्म हो जाए तब इसमें हमने 250 ग्राम सेवई डाला है। सेवई को अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है, भून लेना है। सेवइयाँ को अच्छे से धीमी आंच पर ही भूनना होता है, नहीं तो ये जल जाएंगे और पकेंगे भी नहीं और फिर ख़राब हो जाएंगे ये सेवइयाँ। तो सेवइयों को जब भी हम भूनें धीमी आंच पर ही भूनें, धीरे धीरे भूनें, अच्छे से। जब हमारा कलर पूरा अच्छे से चेंज हो जाता है तो ये रंग पर आ जाता है रेड पर, तो देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल ही रंग, इसका कलर है चेंज हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमें अच्छे से भून लेना है, गैस ऑफ़ कर देंगे इस टाइम। और जब हम गैस ऑफ़ करते हैं ना, फिर भी हम इसे थोड़ी देर के लिए हम चलाते रहेंगे, ताकि जो ये है जल जाएगा, फिर भी जल जाता है बहुत जल्दी, तो इसे चलाते हुए हम उतार लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा ये सेवइयाँ है भुन कर तैयार हो गया है, और इधर हमारा दूध भी खौल चुका है। तो अब इस खौलते हुए दूध को अच्छे से और खौलाएंगे थोड़ा, 2-3 मिनट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने हिसाब से डाला है, मीठे के अनुसार ही डालिएगा। इसके बाद हम तुरंत ही 2 इलायची डालेंगे, 2 इलायची, या फिर आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा इलायची पसंद करते हैं तो 2 और डाल दीजिएगा, तो इसकी स्वाद जो टेस्ट आती है बहुत ही अच्छा आता है और बहुत स्वादिष्ट लगेगा ऐसे बनाएंगे तो। तो चलिए, यहाँ पर 2 हमने इलायची डाल दिए हैं, और अच्छे से इसको हम चलाएंगे, और फिर हम 5 मिनट तक धीमी आंच पर इसको अच्छे से खौलाएंगे, ताकि हमारा जो ये दिया है इसमें थोड़ा सा 2 इलायची जो कि अच्छे से मिक्स हो जाए, उसका जो टेस्ट है सब दूध में आ जाए। तो इसे हम 5 मिनट तक अच्छे से खौलाएंगे और चलाते रहेंगे। इस तरह से सेवइयाँ तो सभी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका देंगे तो सेवइयों का टेस्ट जो होता है अलग होता है। इसके बाद हमने डाल दिया है इसमें सेवइयाँ को, और सेवइयाँ डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए धीमी आंच पर ही इसे हम चलाते हुए पकाएंगे कम से कम 10 मिनट। 10 मिनट अच्छे से ये धीमी आंच पर पक जाता है तो हम इस समझिए कि ये सेवइयाँ है हो जाता है। ये सेवइयाँ मोटी वाली है तो इसे 10 मिनट लगेंगे पकने के लिए, टेस्ट थोड़ा सा चेक कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल ही गल चुका है, पक गया है सेवइयाँ। तो इसे हम उतार कर बाउल में आपको दिखाते हैं हमारा सेवइयाँ कितना तैयार हुआ है, कैसा लग रहा है। तो चलिए देखिए, ये गर्मा गर्म सेवइयाँ हमारा तैयार हो चुका है, और देखने में बहुत ही अच्छा और खाने में भी बहुत टेस्ट लगेगा, आप मुंह से नहीं छूटेगा, क्योंकि इसमें जब इलायची हम डालते हैं दूध में तो अच्छे से उसे खौलाना होता है। जब आप अच्छे से इलायची को खौलाएंगे ना, तो इसका जो टेस्ट पूरा सेवइयाँ में फैल जाता है, और जब सेवई खाइएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और सेवइयाँ गर्मा गर्म खाएँ या फिर ठंडा करके खाएँ, ठंडा थोड़ा हो जाएगा तो आपका जो सेवइयाँ और गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म ही सेवइयाँ आप लोगों को दिखा रही हूँ, थोड़ा सा अगर हम मैं ठंडा कर दूँ तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और लटपटा जैसा हो जाएगा। तो इसे गर्म खाएँ या फिर ठंडा खाएँ, सेवइयाँ तो लगती ही स्वादिष्ट है, सबको पसंद होता है। तो इस तरह से आप भी बनाइए सेवई घर पर, बहुत ही आसान तरीका है, झटपट तैयार हो जाता है, खाने में स्वादिष्ट, बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। तो इसी तरह से बनाइए। अगर आपको ये सेवई रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।